राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार पांडे की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सुजीत कुमार पांडे पर हमला तब हुआ जब सुजीत अपने ईंट भट्टे से निकलकर अपनी सफारी गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुजीत गाड़ी से निकलकर भट्टे की तरफ भागे, लेकिन बदमाशों ने उन पर पीछे से फायर झोंक दिया। गोलियों की आवाज सुनकर भट्टे पर काम कर रहे मजदूर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने मालिक को लहूलुहान देखा, जिसके बाद मजदूरों ने बदमाशों पर पथराव भी किया, मगर वो भाग निकले। इसके बाद उन्होंने सुजीत पांडे को आनन फानन में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुजीत पांडे को 3 गोली लगी थी। एक गोली उनके सीने के पार हो गई, जबकि एक एक गोली हाथ और कोहनी में लगी थी। मौके से 8 खोखे भी बरामद हुए हैं। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्टा है गौरा गांव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहां गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों जो भट्टे पर लोग हैं इनके माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको 1 गोली लगी है। इनके शरीर में अभी तक जितनी जगह हमें एग्जैक्ट पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है, उसमें साथ एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। मौके पर 8 खोखे मिले हैं, लेकिन ये भी ज्ञात हुआ है, अगेन प्रिलिमिनरी है, कि इन पर भी हमले हुए थे, इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। मौके पर जो खोखे मिले हैं 8 मिले हैं, 4 एक तरह के हैं, 4 एक तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये अभी तक हमें जानकारी मिली है। ये प्रधानपति थे यहाँ नगर, जो व्यापार मंडल मोहनलाल में व्यापार मंडल उसके अध्यक्ष भी थे और क्षेत्र काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो अब हम लोग जो भी संभावनाएँ हो सकती हैं उन संभावना काम कर रहे हैं। अभी तक इनके परिवार के लोगों ने क्षेत्रों ने कोई कही नहीं दी है, उनसे भी बात करूँगा। जिस तरह सूचना आएगी, जानकारी आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी भी तफ्तीश में हमारी क्राइम ब्रांच टीम है, आज के क्राइम ब्रांच की है, हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द घटना का निवारण करें और इस घटना के पीछे जो भी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी करें। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या की खबर मिलते ही सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर भी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, तब से अपराधों की बाढ़ आ गई है। कमिश्नरेट हुआ है, मोहनलालगंज में अपराधों की बाढ़ सी आ गई, और अभी इसके पूर्व भी एक हत्या आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जिसका आज तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का इंस्पेक्टर अभी तक डटा हुआ है अपने पद पे, ऊपर वाले अपने चहेतों की बदौलत यहाँ पे पहुंच गए। आज इतने बड़े हमारे लोकप्रिय प्रधान, हमारे मतलब क्षेत्र के ऐसा कोई ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और उनकी आज इस प्रकार जघन्य हत्या, उनको भट्टे पे जाते समय कर इस प्रकार की घटनाएं, जब से यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है, तब से इस प्रकार की घटनाओं की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है पूरे क्षेत्र में। आपको बता दें कि सुजीत पांडे लाइसेंसी पिस्टल भी रखते थे, लेकिन जिस दौरान उन पर हमला हुआ वो फायर नहीं कर सके। शुरुआती जांच में ये रंजिश के लिए हत्या का मामला लगता है। उधर हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार को बंदी का ऐलान किया है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।